तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो सस्पेंस का दूसरा नाम मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की एंडिंग। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज के जो रॉ के रिव्यू वीडियोस में बनाने में मैं इतना ज़्यादा इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आज के रॉ के एपिसोड की एंडिंग हो जाती है सस्पेंस के अंदर बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, ये हमें एक साल बाद पता लगा था। लेकिन क्या रहा एंडी ऑर्टन जला पाया एलेक्सा ब्लिस को या फिर नहीं, ये हमें पता लगेगा अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि रॉ के एपिसोड में आज काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हुई, काफ़ी कमाल का आज का रॉ का था एडिशन। शुरुआत से लेकर आखिरी तक शो काफी ज्यादा कमाल का था। इसके अलावा एक चैंपियनशिप मैच भी कंफर्म कर दिया गया अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए जहां पर ड्रू मैकइंटायर करेंगे अपनी टाइटल डिफेंड। इसके अलावा मिस को भी एक बार फिर से वापस मिल चुका उनका मिस्टर मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा शो के ऊपर और भी काफी कमाल एंड धमाल की चीजें हुई, सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो के अंदर करूंगा कवर। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ मेन हाइलाइट्स को करूंगा कवर जो कि WWE टाइटल मैच के सिनेरियो एंड रैंडी ऑर्टन एंड एलेक्सा ब्लिस के रिलेटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस आपको बता दूं आज की जो ड्रॉ के एपिसोड की शुरुआत है वही काफी ज्यादा बेहतरीन थे क्योंकि शो की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं WWE फॉर्मर WWE सुपरस्टार ल्यूक हार्पर को श्रद्धांजलि देती हुई नजर आती है। और ये देख के काफी अच्छा लगा कि WWE ने ये नहीं देखा कि जो जॉन हार्बर है वो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर WWE ने 10 बेल्ट सैल्यूट देती है। उसके बाद शो की स्टार्ट होता है ड्रू मैकइंटायर के साथ में, शेमस के साथ में, कीथ ली के साथ में। पहले ड्रू मैकइंटायर आते हैं, फिर वो बात करते हैं किस तरीके से वो चोजन वन बने, उन्हें 2 स्लैमी अवार्ड्स भी मिले। फिर यहाँ पर जो शेमस है वो इंटरप्ट करते हुए नजर आते हैं, कीथ ली भी इंटरप्ट करते, फिर यहां पर जो कीथ ली बताते हैं किस तरीके से शेमस ने बेफालतू का अटैक किया था कीथ ली के ऊपर पिछले हफ्ते। दोनों के बीच थोड़ी बहुत झड़प होने चलती है लेकिन ड्रू मैकइंटायर दोनों को रोक लेते हैं और ड्रू मैकइंटायर यहां के ऊपर कहते हैं कि तुम दोनों को लड़ना ही है तो तुम दोनों एक सिंगल्स मैच के अंदर रेसल करो, तुम दोनों में से जो जीतेगा वो WWE चैंपियनशिप मैच के लिए मेरे से फेस करेगा अगले हफ्ते और मैटर नहीं करता तुम दोनों में से कौन जीते क्योंकि अगले हफ्ते भी स्टिल चैंपियन रहेगा द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। शेमस एंड कीथ ली एग्री हो जाते हैं लेकिन तुरंत शेमस यहां पर एक ब्रोक किक लगाते हैं कीथ ली के फेस के ऊपर। इन दोनों का काफी कमाल का सिंगल्स एक्शन हमें दिखाई देता है जो कि आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड का पहला मैच था। और ये जो शो का पहला मैच था वही काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर एंड कमाल का मैच था, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स थे मैच के अंदर। कभी लग रहा था शेमस जीतेंगे, कभी लग रहा था कीथ ली जीतेंगे। यहां पर एक ब्रोक किक वगैरह भी लगाते हैं जो इस बार शेमस है कीथ ली को, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं, कीथ ली कर जाते किक आउट। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर कीथ ली लगाते हैं स्प्रिट पावर बॉम्ब और उसके बाद शेमस को पिन कर देते हैं काफी लंबे एंड तगड़े मैच के बाद। और अब कीथ ली अगले हफ्ते में फेस करते हुए नजर आने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर का, फिर वो रिंग साइड पर जाकर ड्रू मैकइंटायर को कन्फ्रंट करते हैं। एनो कहते हैं मैं अगले हफ्ते तुमसे चैंपियनशिप जरूर से लेने वाला हूं। लेकिन अब बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन एलेक्सा ब्लिस के सेगमेंट के बारे में जो कि आज के रॉ के एपिसोड के अंदर हुआ था। होता क्या, हमें एलेक्सा प्लेग्राउंड रिंग के बीचों बीच दिखाई देता है, यहां पर एलेक्सा ब्लिस एक बार फिर से झूला झूलती होती है और वो कहती है रैंडी ऑर्टन आ जाओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। रैंडी ऑर्टन का एक बार थीम सॉन्ग बजता है, रैंडी ऑर्टन नहीं आते हैं। फिर एलेक्सा ब्लिस कहती है लगता है रैंडी ऑर्टन फीन को ढूंढना नहीं चाहता और हमारी मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करते हैं रैंडी ऑर्टन को बुलाने का। रैंडी ऑर्टन फिर भी नहीं आते, उनका थीम सॉन्ग बजता है और उसका तीसरी बार एलेक्सा ब्लिस कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन क्या तुम मुझसे डर रहे हो, आओ हम लोग आराम से रिंग के बीचों बीच खेलते हैं। फिर अचानक से हम लोग स्क्रीन के ऊपर क्या देखते हैं कि जो रैंडी ऑर्टन है वो पहुंच चुके हैं फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर और यहां पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं एलेक्सा ब्लिस मैं यहां पर हूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि फीन जब वापस आ भी जाएगा, तुम जैसा कह रही हो कि फीन जरूर से वापस आएगा, तो मैं सारी चीजें तबाह कर ही दे रहा हूं, तो फीन के पास कुछ बचेगा नहीं एलेक्सा ब्लिस तुम्हारे अलावा। और यहां पर ऊपर फायरफ्लाई फन हाउस को तहस महस करते हुए नजर आते, वो रैम्पलिंग रैबिट को मारते हैं, बाकी जो बुजार्ड था वो उसको भी मारते हैं, सारी चीजों को तबाह करने चलते हैं। एलेक्सा ब्लिस वहीं रुक जाते हैं, एलेक्सा ब्लिस कहती हैं रैंडी ऑर्टन तुम ऐसा नहीं कर सकते और फिर एलेक्सा ब्लिस चैलेंज कर देती है रैंडी ऑर्टन को एक मैच के लिए आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। रैंडी ऑर्टन काफी हैरान होते हैं और रैंडी ऑर्टन कहते हैं मैं तुम्हारा चैलेंज जरूर से एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम्हारा और मेरा मैच तुम कह रही हो वो मैच नहीं होने वाला बल्कि वो हो गया फिंड का एक बार फिर से अराइवल WWE के अंदर और मैं बहुत बेताब हूं उसको फिर से देखने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज करता हूं एक्सेप्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट की तरफ जहां पर हमें रैंडी ऑर्टन एलेक्सा ब्लिस आमने सामने आते हुए नजर आते हैं। एलेक्सा ब्लिस रिंग के बीचों बीच खड़ी होती हैं और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि चलो हम लोग आ गए रिंग के अंदर, बुलाओ फिएंड को आराम से लड़ते हैं फिएंड के साथ में हम लोग। एलेक्सा ब्लिस कहती हैं फिएंड के बारे में तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं है, चीज़ें मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में। रैंडी ऑर्टन थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, फिर एलेक्सा ब्लिस रिंग साइड के ऊपर जाती हैं और वो गिफ्ट बॉक्स लेके आती है रिंग के बीचों बीच, उस गिफ्ट बॉक्स को पूरा फाड़ती है और उसको अनबॉक्स करती हैं और उस बॉक्स के अंदर से हमें एक मैच बॉक्स यानी कि एक माचिस और कुछ पेट्रोल वगैरह टाइप दिखाई देते हैं ताकि वो एलेक्सा ब्लिस से ले लाती है रिंग के बीच। रैंडी ऑर्टन फिएंड को जिस तरीके से उन्होंने चला
आया था वो एलेक्सा ब्लिस को भी जला दे। ये देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया, ये क्या हो रहा है आज रॉक के एपिसोड में। फिर जो एलेक्सा ब्लिस है वो क्या करती है, कहती है रैंडी ऑर्टन मुझे जला दो, रिंग के बीचों बीच लेट जाती है। रैंडी ऑर्टन कंफ्यूज होते हैं, रैंडी ऑर्टन हंसते हैं कि एलेक्सा ब्लिस कौन सी ड्रामेबाजी नवी कर रही है। फिर एलेक्सा ब्लिस उठती है, वो तेल बुरा उठाती है और वो एक लाइन टाइप बिछा देती है कि ये लो बस तुम्हें माचिस लगाने की जरूरत है, और वो एक जगह थोड़ा ज्यादा पेट्रोल डाल लेती है जहां पर वो लेट जाती है। पहले वो खड़ी होती है उसके बाद लेट जाती है कि चलो रैंडी ऑर्टन मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, अब बस तुम आग लगा दो और काम यहाँ पे हो जाएगा खत्म। रैंडी ऑर्टन तब भी नहीं सुनते, वो आराम से देखते हैं ड्रामेबाजी यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस की। फिर एलेक्सा ब्लिस उठती है और वो जो तेल है अपना पूरे सिर के ऊपर से डालने लग जाती है और भाई काफी खतरनाक सीन यहाँ पर वो कर देती है कि चलो अब तो जला दो, अब तो तुम्हारे लिए काम पूरा और आसान हो गया। फिर रैंडी ऑर्टन माइक लेते हैं, रैंडी ऑर्टन कहते हैं एलेक्सा ब्लिस तुम्हें क्या लग रहा है मैं फिएंड को नहीं जला सकता था, मैंने टीएलसी पेपर व्यू के अंदर वो करके दिखाया, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा और मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना ज्यादा बुरा इंसान हूं कि मैं तुम्हें यहां खड़े खड़े अभी जला सकता हूं, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। रैंडी ऑर्टन काफी हंसते हुए एकदम कह सकता हूं शैतान वाली हंसी के साथ हाथ में माचिस लेते हैं, और वो जैसे ही जलाते हैं यहां पर फिएंड का अराइवल हो जाता है, आई मीन फिएंड के अराइवल जैसे सीन बन जाता है और अचानक से सब कुछ बंद होने लग जाता है। और जो शो की एंडिंग है कुछ इस तरीके से होती है, फिएंड कुछ नहीं आते हैं बल्कि रिंग के बीचों बीच रैंडी ऑर्टन पूरे अंधेरे के अंदर एक माचिस लेके खड़े होते हैं। एलेक्सा ब्लिस कहां पर है इसका कुछ अता पता नहीं होता है, बस जो कमेंट्री वाले ये कहते होते हैं रैंडी ऑर्टन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और हाथ से रैंडी ऑर्टन के वो जो माचिस है वो छूट जाती है, और बस भाई सस्पेंस के अंदर खत्म कर देते रॉक का एपिसोड। मतलब पूरा रॉक का एपिसोड आई नो काफी एंटरटेनिंग था, लेकिन भाई सस्पेंस के अंदर यार ना एंड क्या करो, इससे बढ़िया थोड़ा और दिखा देते, 5 मिनट का और दिखा देते, या फिर दिखाते थे कि फिएंड आ गया, या फिर एलेक्सा ब्लिस पूरे तरीके से जल के खाक हो गई, वो देखने में फिर भी मजा आता। लेकिन एक बार फिर से सस्पेंस के अंदर यहाँ पर एंडिंग हो जाती है एंड आई वॉज लाइक ये हो गया और शो खत्म हो गया। हाँ शो खत्म हो गया, देखा मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे 9:30 हो रखा है, और समझ मुझे ये नहीं आ रहा क्यों WWE ये सब बीच में रोक दे रही है। बाकी बाय द वे शो काफी कमाल का था, सस्पेंस के अंदर एंडिंग होगी, बाहुबली और कटप्पा वाला सीन यहाँ पे भी हो गया, और रॉ का एपिसोड काफी इंटरटेनिंग था। लेकिन अब बाकी रिजल्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं शो के ऊपर, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हुई आपको बता दो एक बार फिर से। मैं इसको मिस्टर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस मिल चुका है, हम लोग बैक स्टेज एक सेगमेंट के अंदर क्या देखते हैं, एडम पियर्स आते हैं यहाँ पर उनके पास और वो कहते हैं मिस तुम एकदम सही कह रहे थे, जॉन मॉरिसन ने वो कैश इन किया था, इसलिए तुम्हें मैं एक बार फिर से मिस्टर मनी इन द बैंक दे रहा हूँ, हैप्पी हॉलीडेज और तुम एंजॉय करो। मिस एंड मॉरिसन पूरे पागल हो जाते हैं, वो इधर उधर डांस समय करते हुए नजर आते हैं। ये जो चीज है शो की एंडिंग से पहले होती है, एंड मिस वर्सेज ग्रैंड मेटेलिया के बीच में शो के ऊपर एक मैच होता है, ग्रैंड मेटेलिया की काफी शॉकिंग विक्ट्री इस मैच के अंदर हो जाती है। डायना ब्रुक एंड शीना बेजलर के बीच में एक सिंगल्स एक्शन होता है, शीना बेजलर की इस मैच के अंदर जीत हो जाती है। इसके अलावा उसके बाद शो के ऊपर एजे स्टाइल्स एंड एलियास के बीच मैच होता है, काफी कमाल का ये मैच भी जाता है और एजे स्टाइल्स की हो जाती है जीत। रिकोशे एंड मुस्तफा अली का एक बहुत ही कमाल का मैच होता है, और इस मैच के अंदर रिकोशे की आखिरी में नहीं बल्कि मुस्तफा अली की जीत हो जाती है सबमिशन से। इसके अलावा शो के ऊपर बाकी हमें शार्लट फ्लेयर एंड नाया जैक्स के बीच एक सिंगल्स एक्शन दिखाई देता है, मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड हो जाता है क्योंकि आखिर में क्यू फॉर द क्लच हमें शीना बेजलर शार्लट फ्लेयर को लगाते हुए नजर आती है, लेकिन उसके बाद फिर वहां से आस्का आती है और वो यहां पर बचा लेती है। फिर शो के ऊपर द न्यू डे रिडल जेफ हार्डी वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच भी हमें एक 8-man टैग टीम एक्शन दिखाई देता है, और इस मैच के एंडिंग के अंदर हर्ट बिजनेस बहुत ही बेहतरीन हमें जीत हासिल करते हुए नजर आती है। तो गाइस ये था आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का रिव्यू। आई नो शो काफी कमाल का था एंड शो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक लगा 2020 का आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, लेकिन यार एक बार फिर से यही कहूंगा शो के एंडिंग यार सस्पेंस में मत क्या करो। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना। आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं इसे 5 स्टार में से 4.9 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। शो काफी अच्छा था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कमेंट करके आप लोग अपना भी बता सकते हो रिव्यू एंड अपने स्टार रेटिंग क्या दोगे आप आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को 5 स्टार में से। इसके अलावा गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना। चैनल पर नवे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।